तो अब मैं आपको एक दूसरी, इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ कि ये सब सेटअप कैसे करते हैं, एंगल कैसे सेटअप करते हैं। अब मैं इसको शार्प करना है मुझे। इसकी जो एंगल है, मैंने इसको डैमेज कर दिया है। डैमेज क्या कर दिया, ये ऑलरेडी डैमेज है इस वक्त, तो इसके अंदर ये मुझे इसको शार्प करना है। तो इसको शार्प करने के लिए मैं इस जिग को इस्तेमाल करूँगा, ये वाली जिग। इसके अंदर कुछ पोर्शन है, इसके अंदर एक पोर्शन तो इसका ये वाला है, जिससे कि आप इसकी स्लाइडिंग, इसकी आप स्लाइडिंग करेंगे, ये इसका स्लाइड होगा। ये इसका एक नॉक है, इससे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं आगे पीछे। ये आपको मैंने दिखा चुका हूँ, इससे आप ड्रिल एंगल जो है वो एडजस्ट करेंगे। इससे आप प्रेस करेंगे तो ये ड्रिल इसके अंदर बैठ जाएगी और ये इस तरह टाइट हो जाएगी। मैं आपको इसका पूरा तरीका दिखाता हूँ। और सबसे अहम तरीन चीज़ है ये वाली एडजस्टमेंट। ये जो एडजस्टमेंट है, इसके अंदर हल्का सा एक नॉच भी आपको ये नज़र आ रहा होगा यहाँ पे। ये नॉच जो है, इसको कैसे सेट, ये सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है, इसको हम कैसे सेट करते हैं। ये वाला नॉच तो ऊपर की तरफ है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। इस तो अब मैं जो हूँ इस ड्रिल को, बिट को जो है शार्प करना है और मुझे इसमें जिग में इसको फिक्स करना है। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको बताया, मैं इसका एंगल मुझे सेट करना है। मैं इसका एंगल जो है 68 मीन्स 135 मैंने इसको फिक्स कर दिया है, इसके एंगल को। ये मैं तो ये एंगल तो मैंने सेट कर दिया। अब मुझे इसके अंदर इसको एडजस्ट करना है। तो इसको एडजस्ट करने के लिए मैं इसको थोड़ा सा आगे पीछे करके इसको एडजस्ट करूँगा, और ये मैंने इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लिया है, इसको मैंने यहाँ पे रख लिया है। इसके बाद इसने यहाँ पे से लिप, मैं इसको थोड़ा सा और आगे कर देता हूँ। तो ये इस वक्त मुझे आपको शायद कैमरे में सही नज़र ना हो रहा हो, लेकिन मुझे नज़र आ रहा है कि मैंने इसको तकरीबन 160 इसको मैंने एडजस्ट कर दिया है। अब जो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है इसको सेट करना। इसको मैं बिल्कुल स्ट्रेट रखूँगा यहाँ पे, मैं इसको ला के इस जगह पे, और मैं इसको यहाँ पे इसको टाइट कर रहा हूँ। तो ये मेरा लिप सेट भी सेट हो गया, एंगल बिल्कुल स्ट्रेट है, ये भी सेट हो गया। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस मुझे छोड़ना था 100 1/16 इंच का, वो भी मैंने छोड़ दिया। और अब मुझे इसको यहाँ पे इसको ऊपर से इसको टाइट कर देना है। तो ये बिट जो है बिल्कुल अपनी जगह एकदम सॉलिड हो गई है। तो अब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। मैंने इसकी 68 इसका जो है वो एंगल चेक कर दिया। इसको बनाने से ज़्यादा इसकी सेटिंग है, मैं इसलिए मैं आपको आपका मेरा थोड़ा सा वक्त आपको महसूस हो रहा होगा ज़ाया हुआ है, लेकिन ये वक्त ज़ाया नहीं हुआ। आपको ये एक मुकम्मल सेटअप पता चल गया। अब आपको पता चल गया कि ये एक मुकम्मल सेट हो चुकी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको सेट कैसे करते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये सेट कैसे करते हैं। इसको सेट करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, लोग मुख्तलिफ अंदाज में कर रहे हैं, मैं आपको एक आसान सा तरीका बता रहा हूँ। इसको आपने यहाँ रख, इसके जैसे ये सेट टच हुआ, आपने इसको यहाँ रख के इसको आप इसको यहाँ पे सेट कर देंगे। इसको टाइट करना बहुत ज़रूरी है, इतना कि ये अपनी जगह से अब हिले नहीं, ये हिलना नहीं चाहिए ये अपनी जगह से। अच्छा, ये स्विंग होता है यूं यूं कर करके, ऐसे ऐसे करके ऐसे। तो आपको बताया था मैंने कि इसको बस मैंने इस तरह रखा है कि ये यहाँ आते हुए टच हो जाए, वो हो जाए। ये ऑलरेडी 101/16 ऑलरेडी आगे था। अब मुझे जो कुछ करना है वो ये करना है, मुझे इसको थोड़ा यहाँ पे, ये देखिए इसको मैं इसको यहाँ से इसको यहाँ पे मैं इसको सिर्फ और सिर्फ 1/8 हल्का सा इसको थोड़ा सा मैं आपको मुझे इसको यहाँ से आगे बढ़ाना है। 1/8 कर दिया, यहाँ टाइट कर दिया, यहाँ टाइट कर दिया। अब जो है, अब मैं ये मशीन चलाऊँगा तो मैं ये टाइट, ये टाइट, ये टाइट, ये टाइट, इस वक्त मैं
मैं इसको बहुत ज़्यादा जल नहीं करूँगा वरना ये बिट जल ना जाए, ओवर हीट नहीं होनी चाहिए। ये मेरी एक साइड का मेरा एंगल कंप्लीट हो गया है। मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा तो मैं इसको इस हिस्से से कर रहा हूँ ताकि मुझे नज़र आ जाए। आप यहाँ से आके देखें, अब इसको इसकी एक डायरेक्शन हो चुकी थी, अब मैं इसको दोबारा यहाँ पे मैंने सेट करके ये लिप इस पॉइंट पे मैंने रख दिया है। यहाँ से आपको ये पॉइंट नज़र आ रहा होगा, यहाँ से इस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ। अब मैं इसको मैंने पलट के रख दिया है और सिर्फ मैं इसको टाइट करूँगा अपनी जगह पे। ये मैं महसूस कर रहा हूँ कि अब ये तकरीबन सही हो चुका है। अब हम इसको निकालते हैं। मैं अब इसको पूरा खोल के बाहर निकाल लेता हूँ। ये मेरे पास इस वक्त ड्रिल की जो है बेहतरीन शेप के अंदर ये इसने ड्रिल कर जो है ये शार्प हो चुकी है। ये आप देख रहे हैं, आपको इसकी हल्की सी टिप के ऊपर बर्निंग मार्क नज़र आ रहा होगा। तो ये मैंने ज़रा आपको जल्दी दिखाने के अंदर जो है मैंने ज़रा जल्दी जल्दी कर दिया, लेकिन इसको आप जल्दी नहीं कीजिएगा तो ये बर्निंग। तो ये इस तरह ये एक बिल्कुल बेहतरीन शेप के अंदर इस वक्त 135 डिग्री के ऊपर ये हो गई है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे पास सारी, अब मुझे ये सारी वन बाय वन जो है ये सब को शार्प करनी है। आप भी इस तरह शार्प कर सकते हैं। शुक्रिया।